हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हो गए ऐसे उम्मीद करता हूँ मैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज एक क्लैश स्क्वाड में मुझे रैंडमली एक येलो क्रिमिनल बंदा दिखा और उसके साथ हमारी बहुत खतरनाक फाइट हुई। तो वो फाइट वो जीते और वो 3-4 से जीते, क्योंकि भाई सारे बंदे डबल वेक्टर लेके आ गए थे और हमारे बंदे ठीक से खेले ही नहीं उस राउंड में, तो थोड़ी सी झोल हो गया। तो फिर मैंने उसको ग्रुप में बुलाया और मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ कस्टम करना चाहता हूँ। तो भाई कस्टम का नाम सुन के वो लालच में आकर कस्टम कर दी। तो अब देखो भाई इसका गेम प्ले और मेरा गेम प्ले कितना डिफरेंस है। मेरा एक यहाँ पे तो नेट का थोड़ा इशू रहा था, फिर भी मैंने मेरा फुल पोटेंशियल दिया है, तो आप ज़रूर देखना। और मैंने इसमें बस फाइट सेंस डाले हैं क्योंकि मैं पूरा वीडियो बहुत लंबा करना चाहता नहीं था, और ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या है स्क्रिप्टेड करते हैं कि 6-6 राउंड खेलेंगे और 7वें राउंड में वो जीतेगा और दिखा देगा कि मैं कितना प्रो। नहीं, इसमें मैंने पूरा नॉर्मल गेम प्ले खेला और उसने भी उसका नॉर्मल गेम प्ले खेला, ये कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं था। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, तो देखो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ कि बंदे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कोई अगर रेयर बंडल वाला बंदा मैच में जाता है, जैसे कि क्रिमिनल हो गया या फिर हिप हॉप हो गया, तो बंदे क्या बोलते हैं, दो टाइप की तरह से सोचते हैं। एक टाइप क्या सोचता है कि भाई उनके साथ फाइट लेके उनको मारेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन दूसरे टाइप के बंदे क्या, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बोलते हैं कि भाई अब अगर वो गेम में आ गए तो वही बुया मारेंगे, वो तो बहुत हमसे प्रो, और यही चीज़ की वजह से वो पूरा मतलब गेम में अच्छा खेल नहीं पाते, फिर फोकस नहीं कर पाते। तो ये बात बहुत गलत है, क्योंकि देखो ये सारे जितने भी बंडल्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है गेम में, तो बंदों ने क्या किया इसे सेल किया। तो अभी 50% तो आईडी ऐसे जो सेल्ड है, मतलब बहुत सारे बंदों ने खरीद लिए और वो बंदे मतलब उनकी लेवल आप देखोगे तो 40-50 होगी फिर, लेकिन वो पैसे इसलिए उन्होंने अपनी आईडी खरीदी। और ये बंदा उनमें से एक दिखता है, क्योंकि इसका गेम प्ले मतलब 50 लेवल के बंदे इससे अच्छा खेलेंगे भाई। एक राउंड तक मुझे अभी तक देखो 4-0 तक मैंने एक राउंड भी मुझे हरा नहीं पाया। कोई भी मैच क्यों ना हो, कस्टम हो, क्लैश स्क्वाड हो, रैंकेड हो, आपको बस आपका नॉर्मल गेम प्ले दिखाना है, फ्रीली खेलना है। अगर आप कोई कुछ मन में लेके खेलोगे कि भाई ये बंदा बहुत प्रो है या फिर ये बंदा बहुत नम है, ये दोनों बात गलत है। आपको कभी भी किसी को ऐसे कम नहीं आंकना चाहिए या फिर ज़्यादा आंकना नहीं चाहिए, आपको बस अपना नॉर्मल गेम प्ले दिखाइए, ज़रूर से वो बंदा हारेगा। ये एक बहुत बुरी सोच है, बंदे क्या सोचते हैं कि अगर कस्टम में उससे 1v1 में उसको हरा दे तो वो बंदा बहुत प्रो है, ये गलत है। आप एक कस्टम से कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप उससे अच्छे हो या वो आपसे अच्छा है। हाँ, कभी आप जीतोगे कभी वो जीतेगा, लेकिन आप एक कस्टम से नहीं हरा सकते। हाँ, अगर आप क्लासिक मैच में उससे अच्छा खेलते हो तो आप बताओ, मतलब क्लासिक मतलब जो बड़ा मैप होता है। देखो 1v1 में क्या है, आप क्लोज बैटल देते हो लेकिन लॉन्ग तो नहीं लेते, और यहाँ पर दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस जाओ स्ट्रेट हेड टू हेड फाइट लो, इस टाइप होती है फाइट। लेकिन आप अगर रैंक मैच में आपको पूरी स्ट्रेटेजी से खेलना पड़ता है, फुल्ली मतलब वो फोकस द गेम होता है, इसलिए उसमें अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो ये आपका गेम प्ले अच्छा है। आप कस्टम में अगर आप बंदों का रहा तो ये मत कभी समझना कि आप उनसे प्रो। देखो आप ये अभी तक मुझे एक राउंड भी नहीं हरा पाया और ये मुझे हरा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आप देखो इसने आईडी सेल की बाय की थी, मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ। 70 लेवल थी इसकी मैंने देखी और इसने 100% आईडी बाय की थी और ये मुझसे हार जाता है, देखो आप किस तरह से। और इसके बाद भाई ने कस्टम बनाई जिसमें अब इसने कैरेक्टर्स की लॉन रखी थी और इसके पास क्रोनो, यहाँ पे और एक कस्टम बना दिया था हमारे भैया जी ने हारने के बाद, और इसमें क्रोनो कैरेक्टर्स के लिए मतलब मॉन रखी थी और भैया जी के पास क्रोनो था, लेकिन हमारे पास भी क्रोनो था लेकिन हमने यूज़ नहीं किया 3 राउंड तक। और इस राउंड में देखो भैया जी ने हमें हरा दिया था, अब देखना किस तरह से हारा है। और अगले राउंड में फिर हमने भैया जी को सरप्राइज दिया, हमने भी क्रोनो यूज़ किया। देखो भाई लोग, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं सब बंदों को बताना चाहता हूँ कि बंडल से कुछ नहीं होगा, आप कितना आपका गेम प्ले, आपकी स्किल कैसी है, आपका एक्सपीरियंस से कितना खेलते हो वो आपका मैटर करता है। बहुत सारे बंदे बंडल की वजह से बहुत मतलब डरते कि भाई इसके पास क्रिमिनल बंडल है तो मैं क्या करूँ, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सामने कौन है, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से उसके सामने खेलते हो, और वही मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो MP40 की खतरनाक स्किन्स यानी कि पोकर कोबरा इनके खिलाफ किस तरह से खेलना है, तो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।